कार्तिकेय सिंह कोई फरार नहीं है। नीतीश कुमार जी के आदेश से वह लगातार मोकामा में घूम रहे हैं, सभी पुलिस वालों के समक्ष वह घूम रहे हैं। नीतीश कुमार जी की मानसिकता है कि जो अपराधी उनके साथ रहेंगे उसको प्रश्रय देंगे और उसी के तहत सारी बातें, क्योंकि हर मंत्री बनने से पहले CID इंक्वायरी होती है, वह सब कुछ जानते हुए भी मंत्री बनाए। फिर उनके जदयू में ही कुछ उनके बहुत खास व्यक्ति थे जिनके साथ उनका विरोध चलता था, उन्हें लगा कि इससे हम दिक्कत में पड़ जाएंगे, तो उन्होंने सभी उनका वारंट लीक कर दिया। जब वारंट लीक कर दिया तो उनको हटना पड़ा, और आज चूंकि उनको आदेश मिल गया है राजद से कि उनको उनका यही फर्ज है कि जिताना है आनंद जी के पत्नी को, तो आज कार्तिकेय सिंह खुलेआम घूम रहा है, इस पूरे बिहार के कानून व्यवस्था का मजाक उड़ा रहा है। यह बहुत दुखद है। मैं पुलिस के अफसरों से कहूँगा, जो आप IPS अफसर बनते हैं, आप संविधान की शपथ लेते हैं, न कि किसी मुख्यमंत्री के व्यक्तिगत की, आपको हर हालत में अपराधियों को पकड़ना चाहिए। पहले तो नीतीश जी को और ललन सिंह जी को सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगना चाहिए कि उन्होंने जो मनमोहन सिंह को, और वो भी कांग्रेस को दिया था, भाजपा को नहीं दिया था, कांग्रेस को जो कागज दिया था वह गलत था। आज सामने नौकरी भी सामने पड़ी हुई है, एक गरीब व्यक्ति द्वारा जमीन दान भी सामने पड़ा हुआ है। भारत में कानून की ऐसी स्थिति है कि यहाँ पर समय लगता है, लेकिन न्याय जरूर मिलता है, और न्याय जब मिलेगा तो एक प्रधानमंत्री बनने की आकांक्षा पाले हुए व्यक्ति को कहीं ना कहीं जमीन खिसकती तो नजर आएगी।